किस चीज का तुम्हें सबसे ज्यादा वेट है? बिरयानी का। देर से तुम्हें मैं कह रही हूँ कि बाहर चले जाओ। आप लोग मुझे बताएं कि आयान की शक्ल जो है वो किससे मिलती है? मजार। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम सब आ चुके हैं बस बैक ऑन आवर ट्रैक, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा शादी के बाद हमने एक भी व्लॉग बनाया हो। आज का व्लॉग होने वाला है काइंड ऑफ स्पेशल, क्योंकि आज हमारी न्यू भाभी की है, पता नहीं कौन सी कोई रस्म होती है, खैर हो रही है, और उसमें अब हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। कुछ मीठा ही बन रहा है मे बी, तो देखो आप। सो फाइनली जी बन रही है यहाँ पर बिरयानी, और उसके साथ बन रहा है ये मीठा जो टेस्टर होगा एक, और इसके अंदर अब हम मिलाएंगे नमक, बन जाएंगे कुकी। और आयान जो है यहाँ पे अपनी तरफ से जज बन के खड़े हुए हैं कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आज के व्लॉग में और आज के खाने में, क्योंकि ये जितना चस्कोर है अल्लाह ही माफ करे, मतलब खाना पीना जो है इसकी सबसे अच्छी और बड़ी हॉबी है। टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है। और इसको बिरयानी बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू पुलाव, ये बहुत ज्यादा बिरयानी खाना पसंद करता है। और हम लोग अब आपको साथ साथ में रेसिपी भी बताते रहते हैं। जैसे लहसुन का पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है ना वो बहुत सारे प्याज कट कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये टमाटर और हरी मिर्चें जो है उसको हरी मिर्च कहते हैं, ग्रीन चिली, और ये टोमेटोज हैं, तो ये हमने काट के रख लिए हैं। और चावल भी हमने साफ वगैरह करके रख दिए हैं, प्रिपेयर हो गई है सारी चीजें, और हमने ये इतनी बड़ी देग भी रख दी है बनने के लिए। तो अब हम इसको आप अब इसलिए आए करने वाली और रेसिपी शेयर करना चाहेंगे आप हमारे लिए। नो, इट्स माय सीक्रेट। तो है लेकिन फिर भी देख तो मैं रही हूँ ना, बताओ उसमें क्या क्या है। बस अभी हम फ्राइड फूड बना रहे हैं, एडिशनली आपने इसमें केक और फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स कॉकटेल और क्रीम ऐड करेंगे जब थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आए, थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आए। जिस जिसने भी ये रेसिपी ट्राई की वो एकदम जरूर मुझे कॉमेंट में बताना जरूर की ये रेसिपी आप लोगों ने अगर ट्राई की। बाय द वे नंद और भाभी ने पहली दफ़ा इतना इत्तेफाक देखा जा रहा है, एक साथ डोइयां चल रही अबले पर चुड़ियां भी चला रही हैं। सबसे पहले जी इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर भी ये थिक शिफ्ट हो गया है। आगे आगे मूव करते जाओ, और अयान अपनी इस्तेआत के मुताबिक, हम पाकिस्तानी है ना, हमें और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये बॉम्बे मसाला बिरयानी। शान के जो मसाले होते हैं ना वो ज़रा ज़्यादा मज़े के होते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ जी हम लोग बना रहे हैं अपनी बॉम्बे बिरयानी, और इसके अंदर हम लोगों ने स्पाइसेस जो ऐड किए हैं वो मैंने घर के मसालों के साथ ही इसको पहले थोड़ा सा बॉम्बे मसाला डाल के ना ये वाले स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि एक किलो के हिसाब से होता है वो, और एडिशनली अगर हम ज़्यादा बनाएं तो हम अपने मसाले भी यूज़ कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। है इसमें कस्टर्ड के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं एप्पल्स, बनाना, और ये कॉकटेल का बॉक्स। बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है, खट्टी मीठी सी, और यहाँ पर ऑलमोस्ट बिरयानी भी बन रही है, और इसमें हमने मसाले वगैरह ऐड कर दिए, बस अब ये वाले मसाले रहते हैं, और इसमें राइस ऐड करेंगे तो ये भी बन ही जाएगा। हम इसकी भी तय वाली लेयर्स बना रहे हैं जी। हम तय वाला कस्टर्ड आपने पहली दफा ही सुना हो। हमारी भाभी के हाथ का आर्ट देख सकते हैं, जो कि इन्होंने पहली दफा किया है, बिल्कुल पहली दफा लग रहा है। कितनी स्ट्रेट लाइंस है ये, कितनी ज्यादा है नहीं, तो खिलाऊंगी नहीं फिर। छोटी मोटी का तो कोई इग्नोर करिएगा। वाह क्या आर्ट है, वाह है ना, वाह ये सही क्या कवर कर देती हूँ। चेक के बाद अब हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिए हैं ये नेकलेस,
और कटलेट्स के साथ हमारे बन गया है ये कोरमा, और कोरमे के बराबर में हमने रख दिया है ये पानी जिसमें हम ऐड करेंगे चावल, और ये है चटनी जिसके साथ हमने बनाना है रायता। तो खाना अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच रहा है और अयान पता नहीं कहाँ है। ये खाने का हो रहा है ज़िया। यहाँ हो गए हैं ये कटलेट्स रेडी, और यहाँ हो गया है ये चावल बॉय, और बहुत थकन सी महसूस हो रही है। अच्छा वैसे मैं आपको एक टिप बताती हूँ, टिप मुफ्त की। ये जो कलर होता है ना फूड कलर, हम लोग अक्सर बिरयानी में यूज़ करते हैं, इसको अगर हम दही में डाल के ऐड करेंगे ना तो उसका कलर बहुत, मतलब देग वाला जो कलर होता है ना वो ही आता है। तो एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करके देखना आपने, ठीक है। मैम तुम्हें ज़्यादा किस चीज़ का वेट है? दही बड़े हैं, कटलेट्स है, निहारी है, बिरयानी है, किस चीज़ का तुम्हें सबसे ज़्यादा वेट है? बिरयानी का। सीरियसली? yes. मतलब जो तुम्हारी भाभी ने मीठा बनाया उसका क्या? ओह स्वीट्स में आता है ना, वो तो खाने के बाद खाया जाता है। बट पता चल गया तेरा, मैं भाई को बताती हूँ ना। हेलो जी, फाइनली लग गया है जी खाने नु दम शम, और यहाँ पर हो रहे हैं अब कटलेट्स फ्राई, और अयान जो है उनके फेरे ही नहीं खत्म हो रहे। वह भूख लग रही है ना, कितना को टाइम लगा। क्या मतलब है तुम्हारा भूख लग रही है? कितनी देर से तुम्हें मैं कह रही हूँ कि बाहर चले जाओ, चलो जाओ किचन से बाहर, अब ना मुझे नजर आना है। आप लोग मुझे बताएं कि अयान की शक्ल जो है वो किससे मिलती है? कैमरे चुमू। सो हम लोगों ने बना लिया खाना, और बस अयान जो है उनको हमने साइड पे बिठा दिया ताकि वो खाने की शक्ल अच्छे से देख सके। देख सकते हैं कि ये सिर्फ खाना ही देख रहा है। सो फाइनली आज की हो गई है प्रिपरेशंस ख़त्म, और आप जैसा कि देख सकते हैं भाभी ने बहुत मज़ेदार किस्म का मीठा बनाया है जो लग रहा है कि बहुत मज़े का है। बाकी आफ्टर टेस्ट हम आपको बताएंगे कि क्या है। बाकी ये दही बड़े मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और ये निहारी, और ये चिकन, और ये कटलेट्स, और ये रायता सलाद। बाकी बिरयानी जो है हमारी अभी वेटिंग पर है। तो अयान अभी तक आपको किस चीज़ का वेट है फिर से खाने का? मुझे तो स्वीट्स का ही वेट है। नहीं झूठ कह रहा है, इसने पहले कहा है। मैंने कहा किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट है, कहता बिरयानी का। कोई तो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। ये जी बन गई है बिरयानी। शक्ल तो मुझे नहीं पता कैसी लग रही, लेकिन मुझे तो खुशबू बहुत मज़ेदार किस्म की आ रही है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अयान ऐसे नहीं बोला, मज़ेदार कैसी बनी हुई बिरयानी। तेरा मैं मुंडे खा दूंगी। ये जी फाइनली मीठा सर्व होने जा रहा है, और हम भी इसके साथ साथ चलते हैं। दादी मी की तरफ से पास हो गया जी क्लैपिंग। तुम्हें लग रहा है ना कुछ तो नुक्स निकाल देना। अयान बोलो, बताओ अच्छा बने कितना?